गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट टू के पेपर टू में भारतीय शासन अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर परिचर्चा करेंगे। इससे पहले वाले व्याख्यान में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का सुधार अधिनियम, जिसे कि मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, पर परिचर्चा की। ये जो 1919 का अधिनियम था, जिसमें कि प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, यह अधिनियम भारतीयों के उत्तरदायी शासन प्राप्त करने की आकांक्षा को पूरा नहीं कर पाया था। परिणाम स्वरूप भारत में जो है अंग्रेजों के प्रति विरोध था, वो बढ़ने लगा था। साइमन कमीशन का बहिष्कार करा। भारतीय नेताओं ने एक संविधान की रूपरेखा बनाने के लिए समिति बनाई, जिसे कि नेहरू प्रतिवेदन के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों पर दबाव डालने के लिए इसी दौरान गांधी जी ने सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की भी शुरुआत की है। भारत में जो है सुधार योजना लाने के लिए 1933 में एक व्हाइट पेपर इशू किया गया, और उसी के ही आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 को बनाया गया। इस अधिनियम की अगर हम प्रमुख विशेषताओं की बात करें, तो पहली इसकी विशेषता है कि यह जो अधिनियम है, यह एक विस्तृत कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। इस अभिलेख में 451 अनुच्छेद और 15 अनुसूचियां हैं। एक्चुअल में अलग अलग हितों का समायोजन और उनको संतुष्ट करने के प्रयास में न सिर्फ ये अधिनियम बहुत बड़ा हुआ, बल्कि जटिल भी हो गया। जहां एक ओर अंग्रेज अपने साम्राज्यवादी हित को पूरा करना चाहते थे, और उसी के साथ सांप्रदायिक और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष व्यवस्था रखना चाहते थे, और वही दूसरी ओर वह भारतीय जनता और भारतीय नेताओं की भी जो कुछ आकांक्षाएं हैं, उन्हें भी पूरा करना चाहते थे। इसी के साथ साथ देसी रियासतों की भी जो व्यवस्था थी, इसकी बात इसमें भी थी। तो परिणाम क्या हुआ कि इतने विपरीत हितों को सामंजस्य बैठाने में यह जो अधिनियम था, यह लंबा और जटिल हो गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। 1919 के अधिनियम की जो प्रस्तावना थी, उसी प्रस्तावना को इसमें जोड़ दिया गया। तो जो 1919 के अधिनियम में बात थी कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी, यही बात इसमें जोड़ी गई। इसमें अलग से प्रस्तावना जो है वह नहीं बनाई गई। तीसरी जो इसकी विशेषता थी, वह थी अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान, ऑल इंडिया फेडरेशन का जो प्रोविजन रखा गया। 1935 के अधिनियम की एक बहुत प्रमुख विशेषता थी कि इसमें भारत के लिए प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की जाए। इससे पहले तक अगर हम बात करें, तो भारत में यूनिटरी सिस्टम था, एकात्मक शासन था, जिसमें सारी शक्तियां जो थी वह केंद्र सरकार के पास थी और प्रांतों के पास बहुत ही सीमित अधिकार थे। इस अधिनियम ने 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर स्टेट और देसी रियासतों को मिलाकर जो है एक ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की बात की गई। जो एक खास बात थी इस अधिनियम की, वह ये कि प्रांतों के लिए तो इस संघ में शामिल होना आवश्यक था, लेकिन देसी रियासतें जो थी, वह अपनी इच्छा अनुसार इस संघ में शामिल हो सकती थी। और संघ की स्थापना तभी हो सकती थी जब कुल देसी रियासतों की जनसंख्या की आधी जनसंख्या वाले रियासतें संघ में शामिल होने की मंशा प्रकट करें, तभी ब्रिटिश सम्राट द्वारा संघ की स्थापना की घोषणा की जाती। लेकिन जो है ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन थी, ये कभी भी स्टैब्लिश ही नहीं हो पाई, क्योंकि जो देसी रियासतें थी, वह उन्होंने इस फेडरेशन को ज्वाइन ही नहीं किया। फलस्वरूप क्या हुआ कि ये जो फेडरेशन बनाने की बात जो थी 1935 के अधिनियम में, ये एक्चुअल में लागू ही नहीं हो पाई।
अगली प्रमुख विशेषता थी इस अधिनियम की, वो थी प्रांतीय स्वायत्तता या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था 1935 के अधिनियम में। 1935 के अधिनियम में जो द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, 1919 के अधिनियम में जो डायार्की की स्थापना की गई थी, उसे समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह जो है प्रांतों के अंदर वह प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी जो द्वैत शासन जो व्यवस्था थी जिसमें कि सब्जेक्ट्स को दो भागों में बांटा गया था, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड, उन्हें खत्म कर दिया गया और जो प्रांतों का पूरा जो शासन था वह निर्वाचित मंत्रियों को दे दिया गया। यह जो मंत्री थे यह जनता के द्वारा निर्वाचित थे, जो विधानमंडल में बहुमत मिला था उस दल के सदस्य थे और संयुक्त रूप से विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। तो कहने का क्या मतलब है कि प्रांतों को स्वायत्तता देने की बात हुई जिसमें कि प्रांतों का शासन जो है वह निर्वाचित मंत्रियों को सौंपा गया। केंद्र में द्वैत शासन, हालांकि प्रांतों में तो द्वैत शासन को खत्म कर दिया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा, लेकिन अब ये जो द्वैत शासन था इसे केंद्र में जो है स्थापित किया गया। अब संघीय सूची को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, रिजर्व और ट्रांसफर कैटेगरी। रिजर्व सब्जेक्ट्स जो थे उसमें जो सब्जेक्ट्स थे वो थे सुरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक आदि। इनका जो संचालन था वह गवर्नर जनरल और उसकी जो परामर्शदात्री जो कमेटी थी उसके पास था। ट्रांसफर जो सब्जेक्ट थे वो गवर्नर जनरल और मंत्री जिनकी जो संख्या है वह 10 से अधिक नहीं हो सकती थी उनको दिए गए। यह जो मंत्री थे यह सामूहिक रूप से संघीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे। हालांकि ये जो केंद्र में जो द्वैत शासन की व्यवस्था है ये भी एक्चुअल में लागू नहीं हो पाई और केंद्र का जो सारा के सारा जो शासन था वह गवर्नर जनरल और जो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उन्हीं के हाथ में रह गया। नाइनटीन के अधिनियम में ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की गई थी, इसलिए ये आवश्यक था कि केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया जाए। तो इसमें केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया और तीन सूचियां बनाई गई, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची। संघीय सूची के अंदर जो है 59 विषय थे जो कि राष्ट्रीय महत्व के विषय थे, जैसे सुरक्षा, मुद्रा, डाक वतार आदि। इन विषयों पर जो है कानून बनाने का अधिकार संघीय व्यवस्थापिका के पास था। प्रांतीय सूची के अंदर 54 विषय थे जो कि प्रांतीय महत्व के थे, जैसे शिक्षा, न्याय, पुलिस, कृषि। इन पर कानून बनाने का जो अधिकार था वह प्रांतीय विधानमंडलों के पास था। संवर्ती सूची में 36 विषय थे जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार। इन पर दोनों केंद्र और प्रांत कानून बना सकते थे। इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियां थी वह गवर्नर जनरल के पास थी। गवर्नर जनरल को अधिकार था कि वह इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दे या राज्य को सौंप दे। अगली विशेषता 1935 के अधिनियम की थी कि इसमें विधानमंडलों का विस्तार किया गया। संघीय जो व्यवस्थापिका थी उसे द्विसदनात्मक बनाया गया। निम्न सदन जो कि थी संघीय विधानसभा, फेडरल असेंबली, इसके सदस्य बनाए गए 375 और उच्च सदन राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसके 260 सदस्य थे। इन 260 सदस्यों में 104 देसी रियासतों के थे और 156 प्रांतों के प्रतिनिधित्व करते थे। ये जो उच्च सदन था इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन था और यह एक स्थायी सदन था। प्रांतों में भी 6 विधानमंडलों को द्विसदनात्मक बनाया गया, बाकी जो अन्य प्रांत थे वह एक सदनीय ही रह गई।
मताधिकार का विस्तार और सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार। 1935 के अधिनियम में मताधिकार का भी विस्तार किया गया और अब 12% के आसपास जो भारतीय जनता थी उसे मताधिकार दिया गया। मताधिकार के विस्तार के साथ साथ ही 1935 के अधिनियम में जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति थी, कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम, उसको भी बढ़ाया गया। मुसलमानों के साथ साथ सिख, इंडियन, ईसाई, जमींदार, पूंजीपति और हरिजनों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। मुसलमानों को व्यवस्थापिका में 1/3 स्थान जो है वह प्रदान किया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना, 1935 के अधिनियम में एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। यह जो फेडरल कोर्ट था इसके पास प्रारंभिक और अपीलीय दोनों ही प्रकार के अधिकार थे। यह संविधान की व्याख्या भी कर सकती थी, किंतु यह संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय नहीं थी। इसके निर्णयों के विरुद्ध जो है प्रिवी काउंसिल में सुनवाई की जा सकती थी। इसी के साथ साथ यह जो न्यायालय है संविधान की व्याख्या के लिए भी अंतिम न्यायालय नहीं थी। संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अप्रैल 1937 में की गई। 1935 के अधिनियम में प्रांतों का भी पुनर्गठन किया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके इसे ब्रिटिश औपनिवेशिक विभाग के अधीन कर दिया गया। बरार पर निजाम हैदराबाद के सत्ता को स्वीकार किया गया, हालांकि यह जो सत्ता थी वह नाम मात्र की ही थी और उसे मध्य प्रांत का जो है एक हिस्सा बना दिया गया। इस प्रकार 2 नए प्रांत की भी स्थापना की गई 1935 के अधिनियम में, सिंध और उड़ीसा। इस प्रकार जो है अब ब्रिटिश प्रांत की जो संख्या है वह 11 हो गई थी। 1935 के अधिनियम में भारत परिषद का अंत किया गया। भारतीयों द्वारा बहुत लंबे समय से यह मांग की जा रही थी कि इस भारत परिषद का अंत किया जाए, तो 1935 के अधिनियम में इस भारत परिषद के स्थान पर भारत सचिव के लिए परामर्शदाता की व्यवस्था की गई। इनकी संख्या 3 से 6 के बीच में हो सकती थी, यानी कम से कम 3 और अधिक से अधिक 6। यह भारत मंत्री की इच्छा पर निर्भर करता था कि वह इनसे परामर्श ले अथवा न ले। 1935 के अधिनियम में संरक्षण और आरक्षण का प्रावधान था। एक्चुअल में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात तो की प्रांतों में और केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन की बात तो की, लेकिन फिर भी वह चाहते थे कि गवर्नर जनरल और गवर्नर के पास जो है वह शक्तियां रहे और वह शासन में हस्तक्षेप कर सके। इसीलिए अल्पसंख्यकों, देसी रियासतों, लोक सेवकों के हित के संरक्षण के लिए गवर्नर जनरल और गवर्नर को व्यापक शक्तियां सौंपी गई। इन शक्तियों के कारण जो स्वशासन की बात थी या जो प्रांतीय स्वायत्तता की बात थी उसने उसको सीमित कर दिया था। 1935 के एक्ट में विधानमंडलों का विस्तार तो किया गया, लेकिन उनकी शक्तियों पर सीमाएं जो है वह भी लगाई गई। 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय व प्रांतीय विधानमंडलों की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। गवर्नर जनरल विधानमंडल द्वारा स्वीकृत किसी भी कानून को अस्वीकृत कर सकता था या सम्राट की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता था। विधानमंडल ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती थी जिससे ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता पर विपरीत प्रभाव पड़े।
संघीय और प्रांतीय विधान मंडलों को अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त नहीं था। एटली के अनुसार अधिनियम में भारत की राजनीतिक प्रगति के लिए कोई ठोस कार्यक्रम नहीं था। भारतीयों के भाग्य विधाता अभी भी अंग्रेजी शासन ही थे। गवर्नर जनरल और गवर्नर के अधिकार, जो उद्देश्य था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो अल्टीमेटली ये था कि जो पावर है, अल्टीमेट पावर, वो गवर्नर जनरल और गवर्नर के पास ही रहे। इसीलिए 1935 के अधिनियम ने गवर्नर जनरल और गवर्नर को स्वविवेकीय शक्तियां प्रदान की गई। ये भी कहा गया कि अगर किसी स्थिति में प्रांतों में शासन चलाना असंभव हो जाए तो गवर्नर को अधिकार दिया गया कि वह संकट काल की घोषणा कर सकता है और प्रांत के शासन को 6 महीने तक अपने हाथ में ले सकता है। इसी प्रकार के अधिकार केंद्र में गवर्नर जनरल को भी दिए गए। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि 1935 का जो अधिनियम थे उसके दो इंपॉर्टेंट फीचर हैं, एक तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना और दूसरा प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना। हालांकि अखिल भारतीय संघ तो कभी मूर्त रूप ले ही नहीं पाया क्योंकि वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर रहा 1935 के अधिनियम में वह था प्रांतीय स्वायत्तता। अब हम इस अधिनियम का मूल्यांकन कर लेते हैं। 1935 के अधिनियम के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही पक्ष थे। पहले हम इसके सकारात्मक पक्षों की बात करें। प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत जो है प्रांतों में चुनाव हुए और 11 में से 6 प्रांतों में कांग्रेस ने जो है सत्ता ग्रहण की। इसका फायदा क्या हुआ? भारत को शासन तथा प्रशासन का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। भारतीय नेताओं को समस्याओं का पता चला और उन समस्याओं का किस तरह से समाधान किया जाना है उसके बारे में भी उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जिन प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला वहां उन्होंने सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना रखी और जो है एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत की। 1935 का अधिनियम संवैधानिक पद्धति से जो है संवैधानिक पद्धति से इसका संचालन हुआ और संवैधानिक विकास के लिए, भारत का जो एक संवैधानिक विकास है उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन रहा। इसने भारतीय नेताओं को जो है एक ट्रेनिंग दी और इसी के साथ साथ भारतीय नेताओं द्वारा जो प्रशासनिक क्षमता, योग्यता और उत्तरदायित्व का परिचय दिया उसे विदेशियों ने भी स्वीकारा। भारतीय नेताओं में भी आत्मविश्वास की वृद्धि हुई। उन्हें यह लगा कि वह जो है वह स्वयं शासन कर सकते हैं। इन सकारात्मक लाभों के कारण ही कूपलैंग ने इसे रचनात्मक राजनीतिक विचारों की महान सफलता बोला है। यह जो अधिनियम था इसमें बहुत सारे दोष भी थे, इसीलिए पंडित नेहरू ने तो कहा है कि यह अधिकारों का नहीं दास्ता का चार्टर है और राजगोपालाचारी ने तो 1935 के अधिनियम को द्वैध शासन से भी बुरा माना। इवन एटली ने भी स्वीकारा कि अधिनियम में भारत के राजनीतिक विकास का कोई कार्यक्रम नहीं है। इसके हम अगर दोष की बात करें तो जो संघीय व्यवस्था जो स्टैब्लिश की गई वह इत्सेल्फ उसमें अपने आप इनहेरेंट उसके दोष थे, उसमें गंभीर त्रुटियां थी। पहली चीज तो जो है कि जहां एक और प्रांतों को तो संघ में शामिल होना आवश्यक था लेकिन देसी रियासतों को ये की स्वेच्छा पर छोड़ा गया कि वह संघ को ज्वाइन करे या, तो यह एक तरह का दोहरा मापदंड था कि प्रांतों को तो संघ में मिलना आवश्यक है जबकि रियासतों की इच्छा पर छोड़ दिया गया कि वह संघ में मिले या ना मिले। यहां तक कि जो इकाइयां थी उनकी आकार में भी कोई समानता नहीं थी, वह जनसंख्या, क्षेत्रफल आदि के दृष्टि से एक दूसरे से डिफरेंट थी।
फिर गवर्नर जनरल और गवर्नर का नियंत्रण और हस्तक्षेप था इस ऑल इंडिया फेडरेशन में। देसी रियासतें भी जो थी वो जो आंतरिक रूप में वह स्वतंत्र नहीं थी। फिर निर्वाचन भी दो तरह का था कि प्रांतों के जो प्रतिनिधि थे उनका तो निर्वाचन था, किंतु रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनको जो है मनोनीत किया गया। तो कीत के अनुसार यह जो संघीय योजना थी उससे किसी का संतुष्ट होना कठिन था। फिर विधान मंडलों को जो है वो बहुत ही सीमित शक्तियां दी गई। विधान मंडलों को यह अधिकार ही नहीं था कि वह इस अधिनियम में कुछ भी परिवर्तन कर सके। अल्टीमेटली जो पावर है वह अभी भी ब्रिटिश संसद के पास ही थी। गवर्नर जनरल और गवर्नर जो थे उनके पास एक्चुअल पावर्स थी, वह सर्वोच्च थे और वह जो ब्रिटिश साम्राज्य हित थे उनके संरक्षक थे, न कि भारतीय जनता के हितों के। जो विशेष उत्तरदायित्व या जो स्वविवेकी शक्तियां दी गई थी उसके कारण गवर्नर जनरल और गवर्नर संवैधानिक अध्यक्ष नहीं बल्कि वास्तविक में जो है एक्चुअल पावर्स जो थी वह गवर्नर और गवर्नर जनरल के पास थी। जो प्रांतीय स्वशासन की स्थापना की बात की गई वह भी जो है एक भ्रम था, क्योंकि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पास जो शक्ति थी उसका उपयोग जो है वह गवर्नर के अनुसार ही करते थे। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल उतनी ही शक्तियों का उपयोग कर पाते थे जितनी गवर्नर द्वारा प्रदान की जाती थी। प्रांतीय शासन पर गवर्नर जनरल तथा गवर्नर की दोहरी पाबंदी थी। अधिनियम की व्यवस्थाओं में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि प्रांतीय स्वराज्य को नहीं के बराबर दिया गया। फिर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। अल्टीमेटली अंग्रेजों की जो नीति थी वह थी फूट डालो और राज करो, और इसी नीति को उन्होंने 1935 के अधिनियम में विस्तार किया गया, जिसमें हरिजन, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस इन सब को पर भी इस प्रणाली का विस्तार किया गया। आत्मनिर्णय का अधिकार जो है 1935 के अधिनियम में भारतीयों को नहीं दिया गया, क्योंकि अधिनियम में कोई भी जो चेंज होना है वह ब्रिटिश संसद ही कर सकती है। तो अल्टीमेटली जो है सुप्रीम जो थी वह ब्रिटिश संसद ही थी। केंद्र में जो द्वैध शासन की स्थापना की गई यह भी मतलब मैं कहूं तो 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना का जो एक्सपेरिमेंट था वह असफल रहा। फिर भी उसके बाद जो है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। एक्चुअल में जो ब्रिटिशर्स थे वो जो पावर्स इंडियंस को नहीं देना चाहते थे और सारी पावर्स खुद ही रखना चाहते थे। संरक्षण और आरक्षण की जो व्यवस्था की गई उसमें गवर्नर और गवर्नर जनरल को जो है अनलिमिटेड पावर्स दे दी गई। 1935 का जो अधिनियम था इसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन रखा। हम जिस ऑल इंडिया फेडरेशन की बात हमने जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट की उसका एक बहुत बड़ा भाग जो था हमने 1935 के अधिनियम से लिया। हालांकि इस अधिनियम में अपनी बहुत सी कमियां थी और इन्हीं कमियों के कारण पंडित नेहरू का मानना था कि 1935 के अधिनियम में अवरोध और सीमाएं इतनी व्यापक थी कि भारत की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति ब्रिटिश सरकार के हाथ में बनी रहती। नेहरू की दृष्टि में अधिनियम एक ऐसी मशीन था जिसके ब्रेक जम चुके थे और उसमें इंजन नहीं था। स्पीयर के अनुसार शक्तिशाली केंद्र का विकास असंभव था जिसकी भारत को आवश्यकता थी। अल्टीमेटली ये जो अधिनियम था इसमें जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाला प्रावधान था वो तो लागू हुआ
और उसने भारतीयों को जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वह थी कि उनको एक्सपीरियंस दिया कि गवर्नमेंट कैसे संचालित होती है. उन्हें एक एक बहुत ही यूनिक जो प्रशासनिक अनुभव था वह भारतीयों को दिया. आशा करती हूँ आज का ये व्याख्यान आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.